फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट्स के पौधों में फर्टिलाइजेशन का अमल किस तरह होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पोलिनेशन के हवाले से तफसील से बताया था कि वो अमल जिसमें जो स्टेमन होता है फूल का, स्टेमन से यानी स्टेमन का जो इंटर हिस्सा होता है, इंटर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के रास्ते ओरी में दाखिल होते हैं, यानी कार्पल का जो ओरी हिस्सा है वहां पे दाखिल होते हैं, उस अमल को हम पोलिनेशन बोलते हैं। अब पोलिनेशन के हमने दो मुख्तलिफ तरीके से किए थे, यानी एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन, ये इनकी दो अकसाम है। आज के इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन का अमल सीखने की कोशिश करेंगे कि जो कार्पल होता है जब यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है, यानी ये हमारे साथ कार्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टेमन से भी आ गया, ठीक है, और जो इनके कार्पल में अपना एक होता है वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो इस अमल के बाद जो जाइगोट बनता है, यानी जो प्रोसेस होता है सारा, उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन का अमल बोलते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टू फॉर्म जाइगोटा, यानी वो तरीका, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ कि ये इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ से तो ये मेल के जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल सेक्स सेल्स मेल के जीन्स की खाली है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल ये यहाँ आ गया, फीमेल वाला एक मौजूद था, जो मेल का हिस्सा था, मेल का हिस्सा उसको हम, यानी इसका जिंसी सेल जो होता है इनको हम स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल का जो जिंसी सेल होता है इसको हम एग बोलते हैं, ठीक है। अब स्पर्म प्लस एग ये जब आपस में मिल जाते हैं, यानी स्पर्म प्लस एग, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, तो ये आपको जाइगोट बनाता है, ठीक है। यानी दी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टू फॉर्म जाइगोटा, ये सारा अमल क्या कहलाता है, इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मेल जिंसी फली जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल जिंसी फली जो होते हैं उनको हम एक बोलते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले इस रास्ते से ये इंटर से जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, मेल वाले स्पर्म वो इस रास्ते से आते हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये वाइट का चार्ट के जरिए से ये इस रास्ते से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले, ठीक है, जब ये आते हैं दो सेल से यहाँ पे आ गए, यानी स्पर्म, ठीक है, जब ये आ गए एक इनके साथ यहाँ पे मिलता है और एक यहाँ पे एक मौजूद होता है, जब दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसमें बगिया दो जो होते हैं खुराक के तौर पर इनके साथ स्टोर होते हैं। अब हम इसकी तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये आपने सीखेंगे, इनका जो कार्पल का ऊपर वाला हिस्सा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, और ये जो गोल गोल दो दाने आपको नजर आते हैं ये पोलन ग्रेन होते हैं, यानी पोलन के दाने, वो दाने जो पोलिनेशन का अमल यानी बीज बनाने के अमल के लिए करामत होते हैं। अच्छा, तीसरा हमारे साथ ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल ये इनका कहलाता है, और ये यहाँ पे जब पोलन ग्रेन यहाँ पे दाखिल होते हैं स्टिग्मा में तो एक नाली सी ट्यूब बनाता है, ठीक है, उस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, यानी जो नाली ये बनाता है उस नाली को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और इसका ये यहाँ पे एक ओव्यूल भी बनाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ओव्यूल हो गया, और यहाँ पे ओवरी, तो ये तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये इसका ओवरी है। अब यहाँ पे दो दाने दाखिल होते हैं, यानी एक दाना एक के साथ मिलता है स्पर्म, एक के साथ मिलता है जिंसी सेल जो होता है, और एक एक इनके यहाँ पे स्टोर होता है। जब दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, यानी इनका फ्यूजन या मिलाप, इसको हम बोलते हैं जाइगोटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टू फॉर्म
फ्रॉम जायगोट द पोलन ग्रैंड जो पोलन के दाने होते हैं ठीक है प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब यहां पे एक पोलन ट्यूब बना दिया यहां पे आप देख सकते हो एक पोलन ट्यूब यहां पे बनाया हुआ है ठीक है आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा सब पर आते हैं जब ये स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद ये पोलन ट्यूब बना देते हैं ठीक है द पोलन ट्यूब ग्रोज और ये ग्रोज हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है इनटू द स्टाइल स्टाइल के अंदर ये बढ़ जाता है ऑफ द स्टिग्मा जो स्टिग्मा का स्टाइल होता है वहां पे ये ग्रोज बढ़ जाता है अच्छा ऑफ द कार्पल कार्पल पे एंड रीच द जो और फिर पहुंचता है कहां पे ओव्यूल ओव्यूल को पहुंचता है ठीक है कंटेनिंग वहां पे क्या होता है एक ऑलरेडी जो फीमेल सेक्शन होते हैं जिनको हम एग बोलते हैं यानी नर का जो सेक्शन होता है जिनसी खलिया उसको हम स्पर्म बोलते हैं जबकि फीमेल का जो जिनसी सिर होता है खली उनको हम एग बोलते हैं वहां पे ऑलरेडी एक एग मौजूद होता है यहां पे मैं इसको तो दोबारा यहां पे ये ठीक है यहां पे एक सेल मौजूद था जिसको हम एग बोलते हैं ठीक है और दूसरा सेल इस रास्ते से आ गया और यहां पे दाखिल हो गया उस सेल को हम क्या बोलते हैं स्पर्म यानी ये स्पर्म और एग दोनों मिलाप कर देते हैं फ्यूजन कर देते हैं तो इस फ्यूजन या मिलाप को जायगोट हम बोलते हैं अच्छा द मेन न्यूक्लियस फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स रीच द एग जो मेल एग होता है ये रीच द एग एग को पहुंचता है ठीक है इस रास्ते से एंड जो एग सेल होता है फीमेल सेल वहां पे पहुंचता है थ्रू द पोलन ट्यूब यहां पे पोलन ट्यूब मैंने आपको बताया है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के जरिए से स्टिग्मा में एंटर होते हैं तो एक पोलन ट्यूब बना के तो पोलन ट्यूब के रास्ते ये जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं क्योंकि ये यहां पे एक को पहुंचते हैं अच्छा द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग यहां पे फ्यूज कर देते हैं यानी मिलाप कर देते हैं एग के साथ एंड एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन अकर तो इसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन का अमल या प्रोसेस वाक्य होता है तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ ठीक है फर्टिलाइजेशन वो अमल है जिसके जरिए से यानी जब मेल और फीमेल जिंसी खलिये आपस में मिलते हैं तो उस सारे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का अमल बोलते हैं वो अमल जिसके जरिए से एक जो पौधा होता है एक फूल होता है उसके मेल और फीमेल जिंसी खलिये यानी स्पर्म और एग आपस में मिलाप कर देते हैं तो उस मिलाप के नतीजे में क्या बनाते हैं जायगोट बना देते हैं जब जायगोट बनाते हैं तो उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन का अमल बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अमल में क्या क्या चीजें होती है ये तो आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल ओरी ये तीनों चीजें तो हमें ऑलरेडी क्लियर है पिछली वीडियो से ठीक है यानी ये तीनों जो है हमें ऑलरेडी क्लियर है दरमियान में क्या रही है पोलन ग्रेन तो यहाँ पे हमें पिछली वीडियो में हमने से कहा था यहाँ पे गिरते हैं और जो स्टिग्मा होता है स्टिक होता है चिपकने वाला जैसे ही पोलन ग्रेन इन पे गिरते हैं इसको चिपक लेते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे जैसे ही इनको चिपक लेते हैं तो यहाँ पे ये एक पोलन ट्यूब सा बनाता है जो ग्रोस करता है यानी बढ़ता है और आखिर यहाँ पे ओव्यूल यानी ओरी में खोलता है और वहां पे एग के साथ मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का अमल वाक्य हो जाता है ठीक है तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने पोलन ग्रेन का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो जरूर सीखा होगा कि किस तरह फर्टिलाइजेशन का अमल वाक्य होता है शुक्रिया